हेलो फ्रेंड्स, डे बाय डे विद चित्रा में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी ग्रेवी बनाएंगे जिससे आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से बनाएंगे जो आपको कभी भी कुछ बनाना हो, अचानक से गेस्ट आ जाएं, कोई भी पार्टी हो, आप आराम से बना के उसको रख सकते हैं। ये देखिए, इसका इस तरह से बनने के बाद ये देखिए किस तरह से कितना सुंदर कलर आया है, कितना रिच इसका दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से इसको बनाएंगे। और इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गैस जलाएंगे, उसमें पैन रखना है। पैन में हमें कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें से दो तेज पत्ता है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, सब इस तरह से डालेंगे। इसके जो जो जितना लेना है वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा, आप देख के बना सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम आपको, वो आप देख सकते हो उसमें किस तरह से बनाना है। इसको बहुत धीमी गैस पे हमें जितने भी मसाले हैं बहुत धीमी गैस पे भूनने हैं। फिर काजू लिया है, बादाम लिया है, इनको बहुत कम गैस पे धीमे धीमे रोस्ट कर लेना है। जितना धीमी गैस पे आप इसको बनाएंगे उतना ही अच्छा मसाला जो आपका है बहुत दिन चलने वाला है, आप 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में बंद करिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। बहुत दिन चलने वाला है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होने वाली है, इसलिए इसको बहुत धीमी गैस पे आपको भूनते रहना है। 6 से 8 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। ये देखिए, एकदम से क्रंच हो जाएगा इसमें। इस तरह से इसको आपको धीमी गैस पर भूनते रहना है, बहुत पेशेंस के साथ आपको इसको भूनना है। गैस एकदम तेज़ नहीं करनी है। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये धनिया डाल देना है, कड़ा धनिया है, इसको भी धीमे धीमे गैस पे हमें भून लेना है। देखिए, इन्हीं के साथ, ताकि हम ये सारे मसाले एक साथ पीस सकें। इसमें फिर हमें थोड़े से चने हैं, ये 10 से 15 के करीब होंगे, ये भुना चना है, ये इसका छिलका निकला हुआ है, इसको भी इसी में डाल के भून लेना है हमें। बहुत अच्छे से चलाते रहना है, गैस का हमेशा ध्यान रखना है आपको, बहुत धीमी रखनी है गैस। धीमी धीमी गैस पे हमें इस मसाले को रोस्ट करना है ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो। फिर हमें देखिए जार में डाल देना है, पर हमें इस मसाले को एकदम ठंडा जब हो जाएगा तभी पीसना है। तब तक हमें ऐसे डाल के रख देंगे और ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा तब भूनिएगा। अगर आपने ऐसे डाल दिया तो स्टीम से ढक्कन खुल जाएगा और आप जल सकते हो, इसलिए इसको हम एक तरफ रख देंगे कि थोड़ा मसाला ठंडा हो, फिर हम पीसेंगे। तब तक हम गैस में पैन रख लेंगे और उसमें देखिए जीरा भूनेंगे। जीरा भी हमें इसी मसाले में डाल के भूनना है एक साथ में, इसलिए तब तक हम मसाला ठंडा हो रहा तब तक जीरा भून लेंगे हम। तो जीरा भूनने के बाद इसी में सफ़ेद तिल है, सब लोग जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमने सब इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं कितना चाहिए उसी हिसाब से आप डालिएगा। और उसको भी धीमी गैस पर धीमे धीमे भून लेंगे। देखिए इस तरह से सारे मसाले आपके बहुत अच्छे से भून जाने चाहिए। ये देखिए ऐसे इसको धीमी गैस पर भून लेंगे। सारे मसाले जब भून जाएंगे तो हम इसको भी पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है, ये वाला इसको हम पीस लेंगे हल्का सा। ये देखिए इसके तैयार हो गया है। अब इसी मसाले में हमें जीरे वाला जो जीरा और तिल में भूना था वो भी इसी में डाल देंगे और इसको भी भून लेंगे हम बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी मिलानी है, जैसे ये देखिए कसूरी मेथी है, ये इसी में इसको डाल देंगे, साथ में पीसना है हमें। और हमें ये लिया है कॉर्नफ्लोर, इसको भी इसमें डाल देंगे और इसको साथ में हमें पीस लेना है। इसको हमें मिक्सी में ना पल्स मोड पे भी करके पीस सकते हैं ताकि इसका ऑयल ना निकले। ये देखिए कुछ चाट मसाला भी डाला है अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए। हमारा मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार होने वाला है। ये देखिए अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देगा ये हमारे मसाले को। कश्मीरी लाल मिर्च है ये, इसको डालेंगे हम इसमें, ये हमें कलर देगी मेरे मसाले को बहुत अच्छा सा। ये हमने काली मिर्च ली है 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है ये, इसको 1 TBSP भी बोलते हैं। ये हमने नमक डाल दिया है, नमक हमें थोड़ा ही लेना है क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें भी नमक डालेंगे। ये 1 चम्मच चीनी लिया है हमने इसमें डालने के लिए, चीनी हमारे मसाले को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। यह 1 चम्मच सौंठ लिया है,
अब इन सबको हमें मिक्सी में डाल के पीस लेना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे मसाले का और बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप इसे देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मोटा है तो आप और इसे पीस सकते हो या फिर छन्नी में से छान भी सकते हो आप। और इसको इस तरह से कर लेना है, एक बाउल में निकाल लेंगे हम इसे। और इसके बाद में इसको बाउल में निकालने के बाद हमें एक कांच के जार में डाल के और इसको हम फिर रख देंगे। अगर आप बाहर रखते हैं इसे तो आपका 1 से 1.5 महीने चल जाएगा ये मसाला, और अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो 6 महीने तक बहुत आराम से ये मसाला चल जाएगा। जब ज़रूरत है आपने उसको निकाला और सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम देखिए एक मिक्सर लेंगे और उसमें हम ये मलाई डाल देंगे। ये देखिए अब सब्ज़ी कैसे बनानी है ये हम आपको बता रहे हैं। मलाई 3 से 4 चम्मच होगी और इसमें हमें 2 चम्मच के करीब हमें मसाला डालना है। और ये देखिए मसाला डाल के और बस हमें इसको पीस लेना है। बहुत अच्छा सा एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि मलाई थोड़ी थीक है, थोड़ा दूध डाल सकते हैं इसको पीसने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से ये देखिए तैयार हो जाएगा। बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रख देना है। और ये देखिए हमने कुछ मखाने लिए हैं और ये मटर लिया है, मटर और मखाना बना रहे हैं। बहुत ही रिच और अच्छी सब्ज़ी बनके ये तैयार होगी। कोई प्याज कोई लहसुन हमें इसमें नहीं डालना है, अलग से कोई मसाले नहीं लेने हैं हमें। बस ये देखिए मटर और मखाने को 2 से 3 मिनट माइक्रोवेव कर लेना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पर इसको बस थोड़ी देर थोड़ा सा बॉयल कर सकते हैं। ये हमें पैन लेना है, पैन में हमें सिर्फ 2 चम्मच घी डालना है। घी डाल के हमें थोड़ा सा जीरा डालना है, बस जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें बस हमें थोड़ी हल्दी डालनी है। सब्ज़ी में अच्छे कलर के लिए डाल रहे हैं हम, बस ये थोड़ा हल्दी डालनी है। और फिर 1 छोटी चम्मच हमें कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है इसमें, क्योंकि उस मसाले में हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें इसमें डालना है, थोड़ा सब्ज़ी में कलर आ जाएगा और अच्छा। इसको हमें अच्छे से चला देना है। सच में सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बनके तैयार होने वाली है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये देखिए आप कितने भी लोग घर पे आएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कितने गेस्ट आएँ किसी भी समय आएँ, बस आपका मसाला तो तैयार है ही। 2 मिनट में आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मसाले को भून लेना है ऐसे। ये देखिए मसाला आपका पकना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से पक रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि हमें ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। पानी डाल देंगे तो मसाला और अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए बस बहुत अच्छे से इसको चला देना है सारा। ये देखिए इस तरह से बस मसाला आपका पक रहा है। सच में सबको बहुत पसंद आएगा, आप इसे हमेशा बना के फ्रिज में रखिए। बाकी घर में हम सब्जियां बनाते हैं और मसाले को पकाते हैं, बस उसी तरह से हमें इस मसाले को पका लेना है अच्छी तरह से। और देखिए अब हमें इसे ढक के हमें इसे दूसरी गैस पे रख देना है। और ये देखिए हमारा मटर और मखाने दोनों बॉयल हो गए हैं। इन्हें हम पानी से निकाल लेंगे, अलग रख देंगे पानी से निकाल के। जितना भी इनको पानी पीना था थोड़ा ही पी चुके हैं, बाकी हम इनको सब्जी में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लेना है हमें, इनको अलग निकाल लेना है पानी से। अब हमें अपनी सब्जी देखनी है। ये देखिए धीमी धीमी पकते हुए सब्जी का कलर देखिए, कितनी रिच और अच्छी सब्जी बनी है। इसमें ना हमने प्याज और लहसुन डाला है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए और 2 मिनट में तैयार होने वाली आपकी ये सब्जी है। इसके साथ आप कोफ्ता बनाना चाहें, पनीर बनाना चाहें, चिकन मटन कुछ भी बनाना चाहें, आप ये ग्रेवी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पसंद आने वाली ग्रेवी है ये, और किसी को पसंद आएगी और आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 2 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें हमने अपनी हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा नमक डाला है जो पूरे मसाले में था, इसलिए थोड़ा सा सब्जी के अनुसार नमक डालेंगे हम इसमें। ये देखिए मटर और मखाना में हमने इसमें डाल दिया है, जो बॉयल किया हुआ था वो इसमें डाल दिया है इस तरह से। और इसको चला देंगे अच्छी तरह, ताकि ये मखाने और मटर उसी में अच्छे से ग्रेवी जो है वो रच बस जाए इसके अंदर। इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये और पक जाए सही से। ये देखिए ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और ये देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनी है। आंखों से देखने में ही अच्छी लग रही है तो पेट में तो वैसे ही अच्छी जाने वाली है। ये हमने कुछ मखाने थे जो ऊपर से रोस्ट करके डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, ये बस ऑप्शनल है। यूँ ही डाल दिए हल्के से क्रंच के लिए।
अब सब्जी आपको देखिए बहुत अच्छी लगने वाली है। इसको बहुत अच्छे से इस तरह से चला देंगे ताकि वो मखाने भी बहुत अच्छे से इसमें मिल जाएं और हमारी सब्जी अच्छी बने। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डालें, हमें थोड़ी सब्जी कम लग रही थी इसलिए हमने थोड़ा सा रोस्ट करके भी डाल दिया है। इस तरह से आप चाहें तो सब्जी में रोस्ट करके भी कुछ मसाले डाल सकते हैं या चाहें तो बॉईल करके, वैसे बॉईल करके टेस्ट ज़्यादा अच्छी। देखिए तैयार हो गई है इस तरह से, हमें थोड़ी थिक लग रही है इसलिए हम इसमें आधा कप दूध डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं दूध की जगह पर और इस सब्जी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी वाली सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आप ऐसी नहीं चाहते हैं, ड्राई चाहते हैं, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये देखिए बस थोड़ा सा उसमें बॉयल आ जाए और हमारी सब्जी बन के तो ऑलमोस्ट तैयार है। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, इसको हम सर्व कर लेंगे बाउल में। देखिए कुछ इस तरह से कितनी सुंदर सब्जी बनके तैयार हो गई है। सच में अगर आप बाहर अगर आपने इस सब्जी को बना लिया तो इस मसाले को हमेशा आप बना के अपने फ्रिज में ज़रूर रखेंगे। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सब्जी बनाई थी तो कैसी लगी। ये देखिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, इसको ज़रूर सबको पसंद आने वाली है। थोड़ी सी ऊपर से हम कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं, अच्छी सी महक आएगी इसमें, सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए ऊपर से डेकोरेट करने के लिए बस हल्का सा हमने इसमें पनीर डाल दिया है। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।